हेलो फ्रेंड्स, ओम ऑफ ऑसम वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, मैंने अदे बनाया था। वो एक प्रकार का ट्रैप है जो हमारा पूर्वज बनाते थे ज़माना में, कुछ बहुत सालों पहले बनाया करते थे। तब हमारा पास खाने पीने का सफिशिएंट नहीं होता था हमारे विलेज में। हम खेती करते थे हमारा पूर्वज, मगर उसमें जंगल के जानवर वो सब खा देते थे, तो खाना पीना का कमी रहता था, तो जंगल से डिपेंडेंट था। तो बहुत सारा ट्रैप बनाया करता था अपना पेट पालने के लिए। तो उसमें से एक अदे है जो पत्थर से बनाया जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जो आई बथन में दिया रहेगा। और एक जो आपको दिखाने वाला हूँ, एक प्रकार का ट्रैप है जो बैम्बू से बनाया जाता है, बैम्बू रस्सी ये सब से मिल के। तो हमारे पास बैम्बू है, ये जो मैंने ऑलरेडी कटा हुआ है। मैं जो अभी ईटानगर में हूँ, यहाँ पर जो बैम्बू ये यूज़ करना पड़ेगा। हमारे विलेज में पहाड़ में ये बैम्बू नहीं होता है, वो अलग होता है। उसके बाद ये जो दाऊ है आप देख सकते हैं, बहुत साफ सार्व होना पड़ता है ये सब बनाने के लिए। दाऊ है, ये दोनों बैम्बू, ये तीनों बैम्बू है। उसके बाद ये रस्सी है, रस्सी ये भी हमारे पहाड़ों में मिलता है, यहाँ में नहीं मिलता है। तो ये मच्छीस, उसके बाद ये भी बैम्बू है, इसे भी कुछ बनेगा। तो आप सब देखते रहिए किसे किसे बनाता है, चलो देखते हैं। Thank you.
Thank you.
तो हमारा ये जो मारंग बोलते हैं हम इसको अपना निशी भाषा में, अरुणाचल में भी बहुत सारा ट्राइब्स है आप सब जानते हैं, उसमें से निशी एक है। तो हमारा भाषा में इसे हम मारंग बोलते हैं, एक प्रकार का ट्रैब है। तो हम बना लिया इसको स्पेशली, ये जो है चिड़िया को मराने के लिए बनाया जाता था ज़माना में, उसके बाद चूहा को। तो अभी आपको हम दिखाते हैं इसको स्पेशली जो नदी में या फिर जंगल में इसको मिस ट्रैप लगाया जाता है, मगर यहाँ पे कोई जंगल नहीं है। तो मेरा घर सामने में आपको हम सपोज़ ये एक जंगल है, तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे ये मारंग से कैसे हम चिड़िया को मरा सकते हैं। तो देखते हैं, तो सपोज़ ये एक जंगल है, स्पेशली हम जो जंगल इसको साफ सफाई करना होता है, तब जो चिड़िया होता है ना, तो जहाँ में साफ सफाई हो वो कीड़ा खाने के लिए आते हैं, उसमें हम ये फांसी मीन्स ये जो ट्रैप है उसको लगा देते हैं। हम मान के चलिए ये एक जंगल है, वैसे साफ सफाई करके हमें एक छोटा सा इससे कुछ बनाना है, जैसे गधा छोटा सा गधा बनाना होता है। तो यहाँ में हम कुछ कीड़ा लेते हैं, स्पेशली जो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद वाला कीड़ा जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं या फिर वो जो लकड़ी के अंदर भी होते हैं, आपको उसे ढूंढना है सबसे पहले। तो स्पेशली मिट्टी जो थोड़ा दिला होना है, क्योंकि आपको ये छोटा छोटा डंडी है ये लगाना होता है। थोड़ा सा ऐसे गधा बनाइए, आपको इस तरह डालते जाना है, बस थोड़ा सा छेद रहना है ताकि चिड़िया जो यहाँ पे आप कुछ बेट लगाएगा, सपोज़ एक खीरा लगा दे उसको दिखाई देना है, इतना तक छेद रखना है, मगर चिड़िया नहीं घुसना चाहिए, उसका माटा नहीं घुसना है, इतना तक छेद बनाना है आपको यहाँ पे छोटा छोटा। तो हमारे पास कुछ कीड़ा वगैरह नहीं है, तो हमें यहाँ से कुछ हमें एक चावल यूज़ करता हूँ, जो पक्का वाला एक चावल है, सपोज़ ये कीड़ा इस तरह यूज़ करते हैं हम जो, तो इस तरह होगा। तो इसको हम ये अंदर में छुपाना है, इस तरह ये अंदर में छुपाना होता है। उसके बाद ये जो छेद छेद आप देख रहे हैं, इसको कैमरा थोड़ा सामने से दिखा दीजिए, जो छेद छेद है यहाँ छेद चिड़िया जो नहीं घुस सकना, बस दिखाई देना है, बस ऐसे छेद छोटा छोटा बनाना है। तो अंदर यहाँ में इसको लगा देना है, सपोज एक खीरा है, मैंने एक चावल यूज़ किया है। तो ये सपोर्टर के लिए एक तो ऐसा एक चीज़ आपको लगाना है, आपका चिड़िया जो चिड़िया बड़ा हो सकता है, ये जो मरंग है इसको लेके भी जा सकते हैं। तो एक सपोर्ट के लिए से आपको बनाना होता है, उसके बाद इसको इस ये अंदर में घुसाना होता है। उसके बाद देखिए, ये जो थोड़ा मजबूत होना है, ये जो है डंटी है बेम्बू से बनाना होता है, ये डंटी है, ये जो मरंग है ऐसे करना है, यहाँ लगा देना है। उसके बाद ये रस्सी को यहाँ पे रखना है, और इसको थोड़ा ये थोड़ा लंबा हो गया यहाँ तक, ये थोड़ा और लंबा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे ही रहना है। और ये डंटी है, ये थोड़ा लंबा हो गया, तो इस तरह ऐसे लगा देना है, थोड़ा सा टच करना है बस, इसको रुकाना है यहाँ पे, थोड़ा टच करके इसको बस थोड़ा ऐसे रुकाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बन होना है,
यहाँ पे भी कुछ सपोर्टर चाहिए, तो आपको इस तरह लगा देना है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये जो ये सपोर्टर है, अगर आपका चिड़िया जो भी हो या मरने वाला बड़ा हो तो ये उड़ के ले जा सकते हैं, इसलिए सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। तो आप देखिए चिड़िया जो आएगा तो कुछ खाना चाहता है, वो खाना होगा उसके लिए, तो उसको ढूंढ के यहाँ से नहीं घुस पाएंगे। तो यहाँ से घुस जाएंगे तो इसको नीचे करना होता है, तो इसको जैसे ही यहाँ छुएंगे तो ऐसे मार देंगे, हम देख सकते हैं। आपको और एक बार दिखाते हैं, बस ये लगाना है। ये थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये थोड़ा नीचे होना है, इसे थोड़ा सा बस छूना है, यह सपोर्ट होना है, उसके बाद यहाँ लगा दीजिए, काम ख़त्म। सपोज़ ये एक चिड़िया है, वहाँ में जो खाना रख दिया गया है उसको खाने के लिए, ऐसे जैसे ही चिड़िया इसको छू देंगे तो ये, तो आप सभी ने देखा है ये जो मारंग है, हमारा पूर्वज जो ज़माना में ऐसे बनाया जाता था, ट्रैप बना के चिड़िया है चूहा मरा के खाया जाता था, क्योंकि वो समय में हमारा जो कल्टीवेशन होता था जूम कल्टीवेशन, उसको जंगली जानवर खा देते थे, तो खाना पीना कमियाँ रहता था। मगर ज़माना में जानवर भी पाला जाता था, जैसे बकरी है सूअर है, उसको भी जंगल का जानवर खा देते थे, जैसे लायन टाइगर वगैरह जो उसको खा देते थे, तो खाना पीना कमियाँ रहता था। तो इसलिए इस तरह के ट्रैप्स जो बनाया जाता था उसमें से एक है, उसका मारंग बोलते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप सब इसको देख के सीखे और जंगल जानवर को चिड़िया को मराए, ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो हमारा पूर्वज जो कैसे कैसे ट्रैप बनाया करता था, तो ये चीज़ को आपको दिखाना चाहता था। तब तक के लिए आपको फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।